नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, KBC के बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते आ रहे हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अमिताभ बच्चन के जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अनसुने हुए हिस्से। जी हाँ दोस्तों, अनसुना किस्सा अमिताभ बच्चन की जिंदगी का, जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, नहीं जाना होगा। KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन जब ऑडियंस के साथ और कंटेस्टेंट के साथ सवाल जवाब करते हैं, तो वह कंटेस्टेंट के जिंदगी से जुड़े किस्सों को पूछते हैं। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी से जुड़े हिस्से और किस्से को भी कंटेस्टेंट के साथ शेयर करते हैं। ऐसा ही एक मजेदार किस्सा अमिताभ बच्चन KBC के सेट पर सुनाए थे। इस वीडियो में वह यह बताते हैं कि अमिताभ बच्चन जब पढ़ाई करते थे, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों की को याद करते हैं और बताते हैं कि अमिताभ बच्चन जब पढ़ाई करते थे, तब वह अपनी वाली यानी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए खाई पार करके लड़कियों के स्कूल जाया करते थे। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि हमारा जो सिस्टर स्कूल था, वह बगल वाली पहाड़ी में था, बीच में खाई थी, उसे पार कर हम जाते थे और इधर उधर देखते थे कि कहाँ है अपनी वाली। अब इतना सुनकर जो कंटेस्टेंट कहते हैं कि आप तो प्लेयर निकले सर, लेकिन यह सुनकर थोड़े अमिताभ बच्चन हैरान रह जाते हैं और बिग बी इसके बाद कंटेस्टेंट से उनकी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी नोकझोंक होती है, बातचीत होती है, और फिर कंटेस्टेंट अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के जीवन से जुड़ा हुआ एक और किस्सा हम आपको बताने वाले हैं। कंटेस्टेंट जब पहुंचते हैं अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर, तो काफ़ी सारी दोनों के बीच में बातचीत होती है। और इस बार जब एक बातचीत जो बहुत ही बेहद दिलचस्प था, एक इमेज का सवाल किया था, इमेज प्रश्न किया था अमिताभ बच्चन ने, जिसमें बकरी, गाय, सांप और टाइगर की इमेज दिखाई गई थी। सवाल पूछने के बाद जब इसका जवाब दे दिया, लेकिन उस यह भी कहते हैं जो कंटेस्टेंट होते हैं, यह भी कहते हैं कि उन्हें सांप से बहुत डर लगता है, सांप को देखकर ही उन्हें बुखार आ जाता है। तो अमिताभ बच्चन कंप्यूटर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारी तस्वीरें मिटा दी जाएं, खासकर सांप की। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कंटेस्टेंट के साथ, जब कंटेस्टेंट कहते हैं कि उनको सांप देखकर बुखार आ जाता है, तो अमिताभ बच्चन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही होता है, इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर से सांप की इमेज को तेजी से हटाने के लिए कहा। अब दोस्तों, इस पर भी अमिताभ बच्चन ने अपने ज़िंदगी से और प्रोफेशन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। बिग बी कहते हैं कि उनके प्रोफेशन में सांप से दूर रहना काफ़ी मुश्किल होता है। उन्हें भी सांप देखकर एक बार बुखार आ गया था। दरअसल उन्हें सांप से बातें करनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि वह हमें काटे ना। उनकी फिल्म के एक सीन में उनकी छाती से सांप को बाहर निकलना था। और भाई साहब, ये होता है कि अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय, उस मोमेंट पर मैं किस तरह मरने वाला सा हो गया था। मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि मैं यह सीन नहीं कर पाऊंगा। काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने मुझे कहा कि वह मेरे सामने एक रबर का बना हुआ सांप रखेंगे और मैं उसके सामने अपने डायलॉग्स बोल सकता हूँ। अमिताभ बच्चन ने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। और इसके बाद फिर जब अमिताभ बच्चन थोड़ा रिलैक्स होते हैं शॉट्स को लेकर, और एक फेक सांप से बातें करने शुरू कर दी। जब सीन ख़त्म हुआ, तो सभी लोग वहाँ पर जो सेट पर मौजूद होते हैं, उन लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन इसी बीच में एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन के पास पहुँचता है और वह अमिताभ बच्चन से कहता है कि यह सांप रबर का नहीं बना हुआ था, वह असली का सांप था जिसके साथ अमिताभ बच्चन ने सीन किया। अब बिग बी कहते हैं कि वह किस तरह यह तक पता नहीं लगा पाए कि यह असली का सांप था या नकली का था। और अमिताभ बच्चन जब यह कहानी सुनाते हैं, तब वहां पर जितने ऑडियंस बैठे होते हैं, सब हंसी ठिठोली करते हैं और ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह था KBC के सेट पर सुनाए गए अमिताभ बच्चन के कुछ दिलचस्प बातें। हम आपको अपने एपिसोड में और भी उनके बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे बीच बीच में। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। थैंक यू दोस्तों।